नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार पुलिस अब आपको छोड़ने नहीं जा रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आप सोच रहे होंगे, तो सुन लीजिए। बिहार पुलिस द्वारा गाइडलाइन दिया गया था कि कोरोना संकट काल में हर किसी को सड़कों पर अगर निकलना है तो मास्क पहन कर ही निकलना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इस चीज़ को नहीं मानते, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और समझते हैं कि कोरोना का खात्मा हो चुका है, मगर ऐसा नहीं है। रोज़ मिलते आंकड़े भी आपको ये बताने के लिए काफ़ी हैं। बहरहाल, राजधानी पटना की सड़कों पर डीएम कुमार रवि खुद एक बार फिर से उतर चले हैं। आपको ये भी बता दें कि डीएम कुमार रवि हाल ही के दिनों में क्वारंटाइन पर से आए हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना को मात दी और एक बार फिर से राजधानी की सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी है, सक्रिय हो गए हैं। कह रहे हैं कि लोगों को गाइडलाइन का पालन करना होगा, अन्यथा हर जाने के लिए भी तैयार रहें। हमारे संवाददाता आलोक ने डीएम से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा पहले आप वो सुनिए। राजधानी पटना में लॉकडाउन से छूट तो मिली है, लेकिन ऐसे में सभी लोग मास्क लगा रहे हैं नहीं, इसका जायजा लेने के लिए पटना के जो डीएम हैं वो खुद सड़कों पर उतरे हैं। पहली बात यह है कि डीएम जो हैं पटना के कुमार रवि, वो खुद अभी कोरोना को मात देकर क्या है इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बड़ी बात तो यह है कि आपने खुद कोरोना को मात दी है, घर में रहें आप और आप फिर सड़कों पर दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो अभी मैं स्वस्थ होकर के लौटा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर रास्ते में बहुत जगहों पर बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं, तो उनके लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि बाहर जब भी निकलें तो मास्क पहन के ही निकलें, नहीं तो प्रशासन की टीम के द्वारा उनके विरुद्ध फाइन किया जाएगा। और गाड़ी अगर बिना मास्क लगाए हुए अगर ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। कई दुकानें भी बिना मास्क के जब दुकानदार बिक्री कर रहे हैं तो उसको बंद कराया गया है, तो इसको प्रशासन बहुत ही कड़ाई से अनुपालन कराएगा। और लोगों से अपील वाले हैं, जो ओला वाले हैं अगर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, या जो बस के ड्राइवर हैं अगर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ये सभी जितने भी गाड़ियां हैं अगर बिना मास्क के ड्राइव की जा रही हैं, या दुकानदार अगर दुकान खोले हुए हैं जो अनुमति दी गई है, बहुत ही विशेष परिस्थिति में गाड़ियों का परिचालन और दुकान चलाने की अनुमति दी गई, वैसी स्थिति में अगर मानकों का पालन नहीं करेंगे लोग तो उनपे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और दुकान बंद करा दी जाएगी और गाड़ियां भी जब्त की जा सकती है। क्या जिला प्रशासन लोगों से अनुरोध भी कर रही है और कार्रवाई दोनों कर रही है? हाँ, दोनों अपील भी कर रही है और लगातार ये न्यूज़पेपर में और सभी माध्यमों से सूचना भी दे रहे हैं। आज विशेष रूप से 5 गाड़ियां आप देख रहे हैं कि निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर विभिन्न इलाकों में घूम करके ये ड्राइव इन फोर्स कर रही है। कल से गाड़ियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी और भी टीमें बढ़ा करके इसको इन्फोर्स किया जाएगा। तो मास्क लगाना अनिवार्य है, जगह जगह पर चेकिंग होती रहेगी? हाँ, मास्क लगाने के बारे में लगातार चेकिंग होती रहेगी और फाइन भी किया जाएगा, और जहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं है तो हम लोग मास्क भी उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, मास्क भी उपलब्ध करा रही है पटना की जो जिला प्रशासन की टीम है वो, और ऐसे में पटना के जो डीएम है कुमार रवि, वो खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं, जितने अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं पुलिस दल बल के साथ। ये देखा जा रहा है कि सड़कों पर लोगों ने मास्क लगाया नहीं, जो नहीं लगाया है उस पर फाइन भी किया जा रहा है। तो सुना आपने, डीएम कुमार रवि भी साफ कह रहे हैं कि कोरोना के खात्मे के लिए यह बेहद जरूरी है कि लोग सबसे पहले सावधान रहें और जब सड़कों पर निकले तो सावधानी के साथ निकले और मास्क का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूले, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा आपको रोका और टोका जाएगा, इतना ही नहीं कार्रवाई भी की जाएगी, फाइन भी आपको देना पड़ सकता है और वो भी भारी पैमाने पर। इसलिए कुमार रवि ने लोगों से अपील करते हुए ये बात कही है कि अगर खुद को और समाज को सुरक्षित रखना है तो कृपया घरों में रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।